हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, आज मैं एक कनाडा मूवी ट्रेलर को रिएक्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है सपता सागर दचे इलो। और इसके अंदर ऑब्वियसली हमें रक्षित शेट्टी दिखने वाले हैं, जो कि 777 चार्ली के अंदर हमें नज़र आए थे। और आई थिंक ये मूवी रिलीज़ भी होने वाली है, 10 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस मूवी के लिए, और मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ वो मूवी को, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त, पहले तो उसका जो सिनेमैटिक्स था इतना ज़बरदस्त नज़र आ रहा था, और उसका जो जो कॉन्सेप्ट है, जो ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो बॉन्डिंग का, और स्टोरी जिस हिसाब से अनफोल्ड होगी, वो मुझे देखना है गाइस। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस मूवी के लिए। और जैसे कि हमें पता है कि कन्नड़ा मूवी जो कॉन्सेप्ट और जो कंटेंट लेके आ रही है, जो हमने KGF 2 में भी देखा है और आगे भी बहुत सारे ट्रेलर्स में हमने देखा है, कि वो जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जो स्टोरी लेके आ रहे हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल टच जो देते हैं ना अपनी मूवीज़ में, वो कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाता है। तो ऑब्वियसली KGF 1 और 2 से हमने देख लिया कि द लेवल ऑफ जो इमोशनल पार्ट्स होता है और फिल्म मेकिंग, वो कितने पैशनेट है इस चीज़ के बारे में, वो ये दोनों मूवी से हमें पता चल गया है। और ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ मैं 777 चार्ली के लिए। तो उससे पहले ये मूवी देख लेते कि किस बारे में होगी, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली रक्षित शेट्टी है, और प्रीवियसली उनका एक ट्रेलर देख चुके हैं हम, और बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, और इसके अंदर जो एक्ट्रेस है वो है रुक्मिणी वसंत, और मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ उनका, तो देखना पड़ेगा। और जो डायरेक्टर है उनका नाम है हेमंत दैमरा, तो इनका भी एज सच मैंने कोई मूवी देखी नहीं है, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलो गाइस, देख लेते कि क्या हमें देखने मिलने वाला है इस टीजर में। छोटा ही होगा। Forever in our hearts, राजकुमार सर। बिजी हम यार। मनु मनासी इन गोता ಊರತ್ರ ಸಮುದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೇಖೋ ಯಾರ್ ಸುಸ್ತಾಗೋ ತನಕ ನಡಿಬೇಕು. ಅಲೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಮ್ ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟಾಗ ನಿನ್ ಕೈ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಲೆಗಳ ಸತ್ತು ಮನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. दोनों दूर है इतना तो पता तो है। निंजु ते दागलो हंगे अनसत है। ओके। अन समुद्र नीनो। लव स्टोरी होने वाली है। ये एंड सीन जेल में है। ओके, टीजर था ऑब्वियसली, पता था जल्दी निकल जाएगा। लेकिन यार, जैसे कि मैंने कहा कि जो एक इमोशनल पार्ट है ना, वो कन्नड़ा मूवी के अंदर हमेशा एक, आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक ऐसा पार्ट है जो आई थिंक आपको हर एक मूवी में देखने मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब उनकी मूवीज़ देख के और उनके जो ट्रेलर्स देख के, कन्नड़ा ट्रेलर्स देख के, मुझे ये फील हो रहा है कि उनका एक अपना इमोशन है ना जो मूवीज़ के साथ, वो एक अलग लेवल पे है, और मेरे ख्याल से बहुत पैशनेट है। और जब भी आप मूवी के अंदर कोई भी इमोशनल पार्ट देखोगे, ऐसा लगेगा कि भाई दिल खोल के रख दिया है। और इसका BGM भी एकदम वैसा ही है, ऐसा लग रहा है ना कि यार बहुत ही ज़बरदस्त लव स्टोरी होने वाली है। और अब यार इसके अंदर भी ट्विस्ट है, क्योंकि ये दोनों को साथ में बस कुछ ही सीन में दिखाया गया है, और बाकी टाइम अगर आप देखोगे तो दोनों अलग ही है। तो क्या होने वाला है, और वो दोनों अलग क्यों है, और क्या वो मिलेंगे, ये रीज़न क्या है अलग होने का, वो पता नहीं अभी, तो ये देखने लायक होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि BGM बहुत ज़बरदस्त है, और डायरेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से
शूट किया गया है ना, मतलब जैसे पहला ही जो पैन करते हुए आगे आता है और जो रक्षित शेट्टी उसके फेस तक जाता है, मतलब पूरा का पूरा एक इमोशनल कैप्चर करने की कोशिश की गई है और मेरे ख्याल से सक्सेस भी मिला है उनको, क्योंकि वो बस बिना डायलॉग के बस वहाँ लेटे रहते तो ऐसा लगता है कि वो बस इमेजिन कर रहे हैं अपना अपनी एक्ट्रेस के साथ जो उन्होंने वक्त बिताया है। तो इतना तो पता है कि यार रक्षित सर है ना, वो इमोशन को बहुत अच्छे से अपने फेस से, क्योंकि 777 चार्ली के अंदर भी जितना ट्रेलर में नज़र आया उतना दिखा था कि भाई वो इमोशन के साथ बहुत अच्छे खेलते और फेशियली वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते कोई भी इमोशन, जैसे उसमें भी नज़र आया था कि उनके इमोशन से उनके चेहरे से इतने अच्छे से नज़र आ रहे थे कि उनको डायलॉग की भी ज़रूरत नहीं थी। और इसके अंदर भी सेम हमें नज़र आ रहा है कि मोस्टली जो डायलॉग है वो एक्ट्रेस की तरफ से है और वो अपनी स्टोरी सुना रही है, और जो रक्षित सर का कैरेक्टर है उनको सिर्फ और सिर्फ उनको दिखाया गया है, और मेरे ख्याल से बहुत इनफ है उनको दिखा के, आपने उनका जो इमोशन है ना वो दिखा दिया है ऑडियंस को, कहीं ना कहीं पोर्ट्रे कर दिया है कि उनका हर एक पार्ट में जैसे कि पैशन दिख रहा है उनका प्यार के लिए, इमोशन दिख रहा है। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि वो शायद वो लेटे हुए थे इमेजिन कर रहे थे कि भाई मैं उसके साथ हूँ, वो भी एकदम इतने अच्छे से नज़र आ रहा था। तो एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि पहले तो ऑब्वियसली 777 चार्ली के लिए एक्साइटेड हूँ, फिर और इस मूवी का जब पूरा ट्रेलर आएगा तब आई थिंक हमें पता चलेगा, क्योंकि बीच में काफ़ी कुछ हुआ है अब समझ नहीं आ रहा क्योंकि आई थिंक वो स्टोरी में क्या होने वाला है, आई थिंक वो था बीच में टीजर के अंदर और बहुत जल्दी निकल गया वो। और मेरा तो सारा ध्यान म्यूज़िक की तरफ था क्योंकि इतना सुपर म्यूज़िक था, इतना आपको काम करने वाला इसमें बीजीएम डाला गया है, और बीजीएम मैं कह रहा हूँ ना, आप कनाडा मूवी के कोई भी मूवीज़ के अंदर देख लो बीजीएम यार एकदम ज़बरदस्त ही डालते हैं वो लोग, और इसके अंदर भी वही नज़र आ रहा है। परफॉर्मेंस भी अच्छी लग रही है लोगों की, तो देखने लायक होगा कि यार स्टोरी क्या है, क्योंकि मेन चीज़ तो वही है कि स्टोरी क्या है। और ट्रेलर आएगा तो आई थिंक हमें ज़्यादा पता चलेगा कि वो दोनों क्यों अलग है। और हाँ, जो लास्ट वाला सीन था जहाँ पे मेरे ख्याल से वो जेल में है, क्योंकि दोनों के बीच में हम देखते हैं ना जाली सी लगी होती है, तो क्या वो जेल में है और क्यों है अगर है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं यार। मतलब ऑब्वियसली जब टीज़र पूरा ट्रेलर आएगा तब पता चलेगा कि है क्या एक्चुअल में, कि स्टोरी क्या है दोनों के बीच में। लेकिन यार इंटेंसिटी आप मिस नहीं कर सकते, पूरे के पूरे टीज़र में जो इंटेंसिटी दिखाई है ना, एक लव पैशन दिखाया है, ऐसा लग रहा है बहुत पैशनेट है प्यार को लेके, वो तो यार आ रहा है, वाइब आ रही है वो पूरी की पूरी। आई थिंक मेरे ख्याल से मूवी बहुत इमोशनल होने वाली है। अब यार वो भी है 777 चार्ली भी इमोशनल है, ये भी इमोशनल मूवी है, तो यार मुझे लग रहा है कि ना वही जैसे मैंने कहा कि जो कनाडा मूवीज़ है वो कहीं ना कहीं अब उनका जो एक बेस होता है ना कहीं ना कहीं वो इमोशन होता है और उसके आसपास वो एक स्टोरी बनाते हैं और आपको होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि KGF 1 और 2 ने किया है। जो उनका जो बेस था ना, कहीं ना कहीं मूवी आपको लगेगा एक एक्शन मूवी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बेस था वो कहीं ना कहीं वो मदर और सन के बीच का जो बॉन्ड होता है ना वो था, उनके बीच का प्यार, और उसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी बनाई गई थी उन्होंने कि किस तरीके से वो जो लड़ता है और जो भी करता है वो उसके इर्द गिर्द थी। तो जैसे कि इसमें भी नज़र आ रहा है कि पैशनेट है लव के, प्यार के लिए बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है। तो पूरा ट्रेलर आएगा, फुल ऑन ट्रेलर आएगा तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए सही में गाइस होल्ड करके रखा मुझे और बहुत मज़ा भी आया मुझे, और देखते हैं ट्रेलर में क्या होता है आगे जब आएगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए गाइस। और मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।